दोस्तों साल 2016 में वैज्ञानिकों की एक टीम हमारी पृथ्वी से 4.6 बिलियन लाइट ईयर दूर एक सुपरनोवा को ऑब्जर्व करती है। वैसे तो यूनिवर्स में सुपरनोवा होते रहते हैं, लेकिन यह सुपरनोवा हिस्ट्री का सबसे पावरफुल सुपरनोवा था। SN 2016 IPS नाम के इस सुपरनोवा की पावर का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि यह हमारे सूरज से 100 गुना भारी तारे का सुपरनोवा था। इस तरह के सुपरनोवा को आज तक सिर्फ थियोरेटिकली ही देखा गया है, रियलिटी में ऐसे सुपरनोवा नहीं देखे जाते हैं। सुपरनोवा के बारे में और डिटेल से बात करने से पहले आप इनके बारे में अच्छी तरह से जान लीजिए। यूनिवर्स में हर स्टार की एक लिमिटेड एज होती है, और जब कोई बहुत बड़ा स्टार अपनी एज पूरी करके अपने अंतिम दिनों में होता है तो वह लगातार अपना विस्तार करता रहता है, और फिर एक समय ऐसा आता है जब यह स्टार अचानक अपनी पूरी एनर्जी एक ब्लास्ट के साथ यूनिवर्स में फैला देता है। इस ब्लास्ट को हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। जिन तारों में सुपरनोवा होते हैं वे तारे हमारे सूरज से 5 से 10 गुना भारी होते हैं। आमतौर पर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में सुपरनोवा बहुत तेजी से होते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हमें लगभग हर 50 साल में एक सुपरनोवा देखने को मिल जाता है। सुपरनोवा किसी एक फिक्स टाइप का नहीं होता है, बल्कि ये कई तरह के होते हैं। सुपरनोवा के बारे में हम आपको वीडियो में आगे और डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं उस हिस्टोरिकल सुपरनोवा की जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश संचोरी, आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। सुपरनोवा SN 2016 APS यानी शॉर्ट्स में कहे तो स्टेपस। 2016 में एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी टीम द्वारा पैनोरमिक सर्वे टेलीस्कोप और रैपिड रिस्पांस सिस्टम में पैन स्टार के ऑब्जर्वेशन से खोजा गया। इन्होंने इन ऑब्जर्वेशन को और क्लियर करने के लिए हबल टेलीस्कोप और कई सारी दूसरी ऑब्जर्वेटरीज की मदद ली। इसके बाद टीम ने इस सुपरनोवा पर 2 साल तक इसकी लाइट पूरी तरह डिम हुई तब तक स्टडी की। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये सुपरनोवा एक बहुत ही रेयर सुपरनोवा है, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक इस सुपरनोवा के इतने भयानक विस्फोट के पीछे का कारण इसके कई साल पहले हुए इसके पड़ोसी स्टार के सुपरनोवा के कारण निकली हुई गैसेज है। जब इसके आसपास भारी मात्रा में मौजूद गैसेज सुपरनोवा के वक्त इस स्टार से मिली तो इन्होंने एक बहुत बड़े धमाके को ट्रिगर किया। मैट निकल, जो इस स्टडी के लीड ऑथर हैं, उनका कहना है कि आमतौर पर किसी सुपरनोवा से जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसके साथ 1% से भी कम रेडिएशन होता है, लेकिन इस सुपरनोवा के साथ निकली रेडिएशन नॉर्मल सुपरनोवा से 5 गुना ज्यादा थी। भले ही आपको 5 गुना सुनने में छोटी मात्रा लगे, लेकिन साइंटिस्ट के लिए यह बहुत बड़ी वैल्यू है। जब इस सुपरनोवा की ब्राइटनेस इसकी पिक वैल्यू से 1% कम हुई तो वैज्ञानिकों ने इस सुपरनोवा को प्रोड्यूस करने वाला स्टार का मास कैलकुलेट किया। वैज्ञानिकों के अनुसार इस स्टार का मास हमारे सूरज से 50 से 100 गुना ज्यादा है। पर अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि कैसे एक तारा इतना विशाल हो सकता है, तो इसका जवाब वैज्ञानिक 2 एक्सप्लेनेशन से देते हैं। पहला यह है कि इस स्टार में हाइड्रोजन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, जिससे यह बहुत ज्यादा गर्म और डेंस रहा होगा, जिस कारण इसका आकार बड़ा हो गया। और इसके अलावा एक संभावना यह भी है कि हो सकता है कि इस विशाल तारे की जगह कोई 2 छोटे तारे रहे होंगे और बाद में वे एक दूसरे में मर्ज हो गए होंगे, और मर्ज होने के कारण ये दोनों अनस्टेबल हो गए होंगे, और इसी कारण हमें हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सुपरनोवा देखने को मिला। पहली बार सुनने पर भले ही हमें इस विशाल सुपरनोवा की खोज एक साधारण सी खोज लगे, लेकिन एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में ये एक बहुत ही बड़ी खोज है। इसने वैज्ञानिकों को दूसरे तारों के अंत के बारे में जानने में बहुत मदद की है। नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप अपनी शुरुआत से लेकर आज तक कई सारे सुपरनोवास को देख चुका है। इंसानी इतिहास का सबसे पहला सुपरनोवा भी इसी ने रिकॉर्ड किया, लेकिन इस सुपरनोवा की एनर्जी जेम्स वेब द्वारा रिकॉर्ड किए गए सभी सुपरनोवा से बहुत ज्यादा थी। सुपरनोवाज अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जिनमें से बहुत से नॉर्मल होते हैं, लेकिन कई इसकी तरह बहुत रेयर भी होते हैं। सबसे कॉमन सुपरनोवा होते हैं टाइप 1 और टाइप 2 सुपरनोवा। टाइप 1 सुपरनोवा एक स्टार व्हाइट ड्वार्फ स्टार होते हैं। ये व्हाइट स्टार अपने आसपास मौजूद तारे से इसकी एनर्जी ऑब्जर्व करके लगातार डेंस होते रहते हैं। एक बार आकार बड़ा होने के बाद इनके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो जाती है, जिसके बाद इनकी कोर अनस्टेबल हो जाते हैं और इनकी कोर से एनर्जी बाहर निकलने लगती है, लेकिन इनके हाई ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये एनर्जी बाहर नहीं निकलती है और ये एनर्जी इनकी सरफेस पर मौजूद हाइड्रोजन तक पहुंच जाती है। इस एनर्जी का हाइड्रोजन से संपर्क होने पर एक विस्फोट का जन्म होता है और यह विस्फोट फिर सुपरनोवा का कारण बनता है। हमारे सूरज का अंत भी टाइप 1 सुपरनोवा के साथ होगा। सूरज अपनी एनर्जी लगातार बढ़ाता रहेगा और डेंस होता जाएगा। इसके साथ ही यह एक रेड जायंट स्टार बन जाएगा। यह आकार में इतना बड़ा हो जाएगा कि यह मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स को पूरी तरह निकल लेगा।
इतना डेंस होने के बाद अब सूरज की सरफेस पर न्यूक्लियर रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी, जिसके कारण सूरज का अंत एक बड़े धमाके के साथ होगा, या यूं कह लीजिए कि टाइप 1 सुपरनोवा के साथ होगा। चलिए अब बात करते हैं टाइप 2 सुपरनोवा की। टाइप 2 सुपरनोवा हमारे सूरज से 8 से 10 गुना भारी तारों के सुपरनोवा को कहते हैं। टाइप 2 सुपरनोवा भी लगभग टाइप 1 सुपरनोवा की तरह ही होता है, लेकिन इसके तारों का मास बहुत ज्यादा होता है। टाइप 1 और टाइप 2 सुपरनोवा को तो हम समझ चुके हैं, लेकिन क्या सूरज से 20 से 50 गुना ज्यादा भारी तारों का सुपरनोवा भी इसी तरह का होता होगा? तो इसका उत्तर है शायद नहीं हो सकता है कि सूरज से इतने भारी तारे सुपरनोवा के साथ खत्म हो, लेकिन इस बात की भी काफी ज्यादा संभावना है कि ये तारे ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय चीज यानी ब्लैक होल में बदल जाए। सुपरनोवा अपने साथ इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं कि वह अपने आसपास के सभी ग्रहों को नष्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर कोई सुपरनोवा हमारी पृथ्वी के नजदीक घटता है तो वह हमारे पृथ्वी को भी खत्म कर देगा। लेकिन आप घबराइए मत, वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी पृथ्वी के आसपास ऐसा कोई सुपरनोवा नहीं है। आज तक जितने भी सुपरनोवा की घटनाएं हुई है वह हमारी पृथ्वी से लाखों करोड़ों लाइट ईयर दूर है। हमारी पृथ्वी का अब तक का जो सबसे नजदीकी सुपरनोवा हुआ है वह है साल 1987 में रिकॉर्ड किया गया सुपरनोवा 1987A। ये पृथ्वी से 168,000 लाइट ईयर दूर था, लेकिन हम इसे नग्न आंखों से देख सकते थे। भविष्य में पृथ्वी के सबसे नजदीक सुपरनोवा की 6 घटनाएं होने का अंदेशा है, जिनमें सबसे नजदीक हमसे 150 लाइट ईयर दूर आई के पेगासी बी और 150 लाइट ईयर पृथ्वी से एक सुरक्षित डिस्टेंस है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी से 100 लाइट ईयर दूर तक कोई भी सुपरनोवा पृथ्वी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमारे नजदीक का सबसे लेटेस्ट सुपरनोवा होगा बीटल जैसे स्टार का सुपरनोवा। बीटल जैसे एक रेड जायंट स्टार है जो हमारे सूरज से बहुत ज्यादा विशाल है। अगर इस स्टार को हमारे सौरमंडल में सूरज की जगह फिट कर दिया जाए तो ये जुपिटर के एस्ट्रॉइड बेल्ट तक सौरमंडल के सभी ग्रहों को निगल लेगा। इस स्टार को सबसे पहले अक्टूबर 2019 में तब नोटिस किया गया जब इसकी लाइट लगातार डिम हो रही थी, और एक समय ऐसा आ गया जब इसकी लाइट महज 40% तक रह गई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तारे का कभी भी अंत हो सकता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अभी हाल ही में ये तारा अपनी पूरी ऊर्जा के साथ चमक रहा था, जिसने इन तमाम संभावनाओं को काफी हद तक विराम दिया। अगर ये सुपरनोवा घटता है तो हमारी पृथ्वी पर इसे देखा जा सकेगा। इस सुपरनोवा के वक्त पृथ्वी पर इसका इतना प्रकाश होगा कि हम रात के समय हमारी खुद की छाया जमीन पर देख सकेंगे। लेकिन अभी के हालात देखकर लगता है कि हमें इस तरह की घटना के लिए 1,00,000 साल और इंतजार करना पड़ेगा। तब तक तो हम शायद चल बसे होंगे, शायद क्या। अब चलिए हम आगे बढ़ते हुए ये भी जान लेते हैं कि अगर हमारी पृथ्वी से महज 30 बिलियन लाइट ईयर दूर कोई सुपरनोवा हो जाए तो क्या होगा। सुपरनोवा के वक्त जब कोई स्टार अपनी एनर्जी रिलीज करता है तो उसमें से एक्स और गामा रेंज निकलती है, और ये रेंज कहीं लाइट ईयर दूर तक फैलती है। और अगर कोई सुपरनोवा हमारी पृथ्वी से इतना नजदीक होता है तो उससे निकलने वाली एक्स रे और गामा रे हमारी पृथ्वी की ओजोन लेयर को पूरी तरह से खत्म कर देगी, जिससे पृथ्वी की वह सुरक्षा कवच पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी जो हमारी सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों जैसी हानिकारक किरणों से रक्षा करती है। और अगर एक बार ऐसा हो जाता है तो हमारी पृथ्वी से जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और पृथ्वी पर भारी तबाही होगी। लेकिन ये सब सुनकर आप मत घबराइए, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार अभी पृथ्वी के इतना नजदीक किसी सुपरनोवा के घटने की संभावना लगभग ना के बराबर है। सुपरनोवा अंतरिक्ष की सबसे फैसिनेटिंग और खूबसूरत घटनाओं में से एक है, लेकिन ये जितनी खूबसूरत है उतनी ही भयानक भी है। इसलिए जाते जाते हम उम्मीद करते हैं कि हमारी पृथ्वी पर इस तरह का कोई भी खतरा नहीं आएगा। तो दोस्तों बस इतना ही था आज की हमारी इस वीडियो रिपोर्ट में। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।